नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2022 के दौरान गलत जमीन रजिस्ट्रियों का मामला उठाया गया। इस पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में गलत रजिस्ट्रियों के मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में करीब 21,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की सदन में घोषणा कि 7A का उल्लंघन करने वालों की जांच करेंगे। 2010 से अब तक 140 से करीब सभी तहसीलों में हुई रजिस्ट्रियों की जांच होगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद अभय चौटाला ने रजिस्ट्री में घोटाले का मामला उठाया। अभय ने कहा कि प्रदेश में गुरुग्राम और करनाला डिवीजन में रजिस्ट्रियां गलत हुई। करनाल में 8,182, गुरुग्राम में 21,000 रजिस्ट्री गलत हुई, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। अब तक जो है 2017 से 21 के बीच आपके 6 मंडल ऐसे हैं, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, अंबाड़ा, इनमें 65,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई और साल में लगभग 6,00,000 रजिस्ट्रियां हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है। इसमें पिछले दिनों एक जांच कराई गई थी और जांच भी उस वक्त के जो आपके इस डिपार्टमेंट के एसीएस जो थे कौशल साहब, उन्होंने जांच करी थी। उसमें 300 लोगों के विरुद्ध जांच में जिनके नाम पाए गए थे, उनमें 150 के करीब नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल हैं। अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है सरकार ने, उनको क्या सजा दी है, क्या उनसे वसूल किया है? इसी तरीके से कोरोना की महामारी के दौरान जो है 7A के तहत बिना एनओसी लिए भी रजिस्ट्रियां बड़ी पैमाने पे की गई थी। ये मामला मैंने पहले भी उठाया था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब तक उसमें क्या हुआ इसके बारे में बताएं। गुड़गांव में अकेले में 21,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है, सरकार ने सब माना है। 10,000 रजिस्ट्रियों में करनाल में गड़बड़ी पाई गई है, ये भी मानी गई है। तो फिर इनमें जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ हुई है, इनमें किया क्या है सरकार ने अब तक, किस किस को सजा दी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करी है? जो रिपोर्ट आपके एसएस की आई हुई थी उसके ऊपर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? जो नाम है तहसीलदारों के जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उन सबके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? तो 3 सब रजिस्ट्रार और 5 जॉइंट रजिस्ट्रार्स गुड़गांव के अंदर चार्जशीट हुए थे, उनके ऊपर FIR तुरंत प्रभाव से हमने करी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और जैसे जैसे उस इन्वेस्टिगेशन का कोर्स बढ़ेगा, जो सजा कोर्ट ने देनी है वो कोर्ट दे। जहाँ तक बात नंबर ऑफ सारी डीड्स के ऊपर कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात है, 133 सब रजिस्ट्रार, 97 जॉइंट रजिस्ट्रार, 156 रजिस्ट्रेशन क्लर्क और 381 आपके पटवारी, इनको भी 15 शो कॉज नोटिस हमारी सरकार ने दे दिया है। जो डिप्टी कमिश्नर के लेवल से जाना था वो डिप्टी कमिश्नर के लेवल से दे दिया है, जो FCR के लेवल से जाना था वो FCR के लेवल से दे दिया है। और 15 दिन के अंदर जैसे जैसे इनके जवाब आते रहेंगे, जो फर्दर प्रोसीडिंग है एज पर रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके खिलाफ सरकार कदम उठाएगी। और वही प्रश्नकाल के बाद अभय चौटाला, नीरज शर्मा, बलराज कुंडू और किरण चौधरी रजिस्ट्री में घोटाले पर ध्यान आकर्षण कर प्रस्ताव लाए। बलराज कुंडू ने कहा कि पिछले कई सालों से घोटाले हो रहे हैं लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुंडू के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। सुनिए। माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अभी इन्होंने इसके अंदर जून 2020 के अंदर रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये मानते हैं इनकी रिपोर्ट में कि उसके अंदर प्रूव हो गया था 2020 जून में, यानी 2.5 साल पहले। और ये कल परसों का जो ये अखबार ये है, कल ये उसका करनाल का तहसीलदार, परसों DTP और दोनों के मिली भगत का पूरा खेल, यानी 2.5 साल। मैं ज्यादातर पूरे डेटा जो है ना मेरे से पूर्व सदस्य साथियों ने बता दिया कितना कहां करीबन 65,000-70,000 रजिस्ट्रियां हुई। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय मंत्री जी ने ये अपनी उसके अंदर मानते हैं लिखा है कि जून 2020 के अंदर उन्होंने उनके पास ये रिपोर्ट आ गई थी कि इसमें अनियमितताएं बरती जा रही है, 7A के तहत गलत रजिस्ट्रियां हो रही है। तो क्या 2.5 साल के अंदर
आज तक या तो ये कैपेबल नहीं है सरकार उस चीज को कंट्रोल करने में, या ये क्लियर कर दिया उसमें मिली भगत से ये सारा खेल खेला जा रहा है पौने दो साल में। आज मंत्री जी ये कहते हैं हमारे पास तहसीलदार की वो नहीं है, पौने दो साल में अगर इनको उस टाइम कम लग रहा था तो आज पौने दो साल रिक्रूटमेंट क्यों नहीं की इन्होंने? ये कोई जवाब थोड़ा ना है इस चीज को देने का। ये अपनी जिम्मेवारियों से ना बाजे और इसमें दोनों चीजों में एक चीज को एक्सेप्ट करें, या तो करें कि ये उसमें सामर्थ्यवान नहीं है उस चीज को कंट्रोल करने में इनका जो है ना वो नहीं है, या इनकी मिली भगत, दोनों में से एक चीज है ना। क्यों मैं सदन से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये चीज इस बात का जवाब दें। अब ये इनकी रिटर्न रिपोर्ट मेरी नहीं है, मंत्री जी ने जून 2020 के अंदर माना है, वो अनियमित आई और रिपोर्ट मेरे पास आई, आपकी रिपोर्ट है मंत्री जी। इससे जो बात कह रहे हैं मशरूमिंग का मामला कोई आज का नहीं, 1980 के दशक के अंदर कानून बना था जिसके अंदर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग द्वारा रिस्ट्रिक्शन 7A की लगाई गई, उसमें निरंतर बदलाव आते रहे। एक हेक्टेयर को दो कनाल किया गया, दो कनाल को एक एकड़ किया गया, और एक एकड़ इस सदन के अंदर ही हम सब ने मिलकर किया था। जो 2020 की आप बात करें उसके बाद कानून है कि आपने कोई भी डीड रजिस्टर करानी है प्रदेश के अंदर, और ऑटोमेटेड है, वेब हेलरिस के माध्यम से हर चीज मॉनिटर्ड है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको दो NOC रिक्वायर्ड है अध्यक्ष। पहली NOC अर्बन लोकल बॉडीज की, जिसके अंदर आपका प्रॉपर्टी ID होना चाहिए, आपके हर प्रकार के ड्यूज, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, डेवलपमेंट चार्जेस की बात हो, ये पेड ऑफ होनी चाहिए, और उसके बाद जाकर आपको NOC उपलब्ध हो। उसके साथ साथ एक NOC जो दूसरे नंबर पर आपको जरूरी है, वो जरूरी है 7A की, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग देता है। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की NOC का भी कानून बनाया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो आपके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिसर कंसर्न है वो उसका विजिट करेंगे, और विजिट कर वहाँ पर मौके पर देखकर कि यस इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर या इट इज़ एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ ये एक एकड़ से कम है नहीं है, वो अपनी NOC इलीगल कॉलोनाइजेशन ना हो, मशरूमिंग ना हो देंगे। और 2020 के बाद से लेकर आज तक का मैं डाटा आपको अलग तौर पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसके अंदर हजारों NOCs की रजिस्ट्रेशन हुई है। करनाल का जो मामला सामने आया है, जितना फैक्ट क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपके साथ इतना ही साझा कर सकता हूँ कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के DTP को हमारी सरकार के विजिलेंस विभाग ने पकड़ा, और जब उसको पकड़ा गया, जब ये पता चला कि वो NOC अप्रूवल के लिए पैसे लेता था, उसको तुरंत रिमांड पे ले लिया गया। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके साथ कोई पुराने लेन देन किसी तहसीलदार के थे, कल उसको भी विजिलेंस की टीम ने अरेस्ट कर लिया, और साथ में जितने और कंसर्न लोग इस नेक्सस में थे उनको भी विजिलेंस अपनी कार्रवाई के तहत अरेस्ट कर रही है, और सख्त से सख्त कार्रवाई जो CRPC के माध्यम से होती है इन अधिकारियों के विरुद्ध। और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में कहा कि कोरोना काल में धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हुई हैं। किरण चौधरी ने कहा कि तहसीलदारों की बोली लगती है, वह किरण के सवाल पर दुष्यंत ने जवाब दिया, सुनिए। जो कोरोना काल के अंदर महामारी में बुरे हाल हो रहे थे, लोग जो हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर रजिस्ट्रियां धड़ल्ले के साथ हो रही हैं। ये देखिए आप अध्यक्ष जी किस तरह से, प्लीज अपनी, मैं ये पूछ रही हूँ, सप्लीमेंट्री, यही तो मैं बात पूछ रही हूँ। जो जिन ऑफिशियल्स जो हैं उनमें से 6 ऐसे ऑफिशियल्स जिनके ऊपर कार्रवाई करी थी उनका प्रमोशन दे दिया गया है, ये सही कहा इसने ये नीरज ने कि सस्पेंड करके उनको छोड़ दो, सस्पेंड करना तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो तो सस्पेंशन का मतलब ये है कि उससे भी मच गए, अपने आराम से घर में मौज करते हैं, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से उनको लगा दो। तो ये तो सरेआम जो है धड़ाले से जो है ये कार्रवाई हो रही है अध्यक्ष जी, बिल्कुल सरकार के नाक के तले। अध्यक्ष जी दूसरी बात जो है, पटवारियों के ऊपर जो है सारा का सारा गाज डाल दी, अब ये पटवारियों के ही हिसाब से सारा कुछ ऊपर हो गया क्या?
ये तो इतनी बड़ा बड़ा जो ये रजिस्ट्रियां कोरोना काल के अंदर करी गई हैं, ये जब तक ये तार कहीं तक और जुड़े नहीं है ये हो ही नहीं सकती थी। सच्चाई की बात ये है अध्यक्ष जी। दूसरी बात अध्यक्ष जी, जो आप देख ही रहे हैं हर तरीके से जो है ये सारा का सारा ये जो बात कही गई है कि अब जो है सारा रिकॉर्ड जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन, और जैसे कुंडू जी ने कहा पौने दो साल हो गए हैं, पौने दो साल अभी तक जो कार्रवाई है वो पूरी संपन्न नहीं हुई है। ये आज अगर आपने ये कॉलिंग अटेंशन नहीं लगाया होता तो ये ऐसे ही चलता जाता काम, ये तो कार्रवाई ऐसे ही आगे होनी थी, उनका उसकी भरपाई कौन करेगा नंबर। और दूसरी बात अंत में अध्यक्ष जी, ये जो घोटाले हो रहे हैं, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, आप देख रहे हो नगर परिषद जो है भिवानी के अंदर भी कैसे घोटाले हो रहे हैं। ये तो एक ही बात मैं कहूंगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। किरण चौधरी जी ने बात करी सदस्य ने कि क्या मैं डिटेल्ड आंसर में भी आपको रिप्लाई कर चुका हूं कि हमने सभी कमिश्नरेट के अंदर इंक्वायरी करी, ना कि एक केवल मात्र गुड़गांव की। और क्या तीन साल की सारी डीड्स का डाटा, और उसमें स्पेसिफिकली 7A की डीड्स कितनी हुई, और 7A की डीड्स के अंदर 7A की परमिशन ली गई नहीं ली गई, माननीय सदस्य तो खुद मंत्री रही है, क्या जी ऑनलाइन डाटा है तो इतना टाइम लगता है क्या ऑनलाइन डाटा में? मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने ट्रेंड बना लिया कि बात ना सुने बिना एक काउंटर क्वेश्चन कर दो। वकील रही है, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं और आप सुनने की भी आदत डाली। जब आपने कहा 7A, हमने उस पूरे डाटा को कमिश्नरेट लेवल पर वेरीफाई करा है, और एक एक कमिश्नर जो वहां पर कमिश्नरेट में पोस्टेड थे उन तमाम IAS अफसरों ने एक एक तहसील सब डिविजन लेवल पर डाटा कलेक्शन शुरू करवाई, और डाटा कलेक्शन में लगभग एक साल से ऊपर का समय लग चुका। उसके बाद एक डिटेल्ड समरी सरकार को हर कमिश्नरेट से आई, जिसके अंदर प्राथमिक तौर से अम्बाला से आई, फिर गुरुग्राम से आई, और अंत के अंदर हिसार कमिश्नरेट से आई, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा थे। हमने उस सब को कंपाइल किया, ऑन फाइल डिसीजन लिया कि तमाम रेवेन्यू क्लर्क्स और पटवारी जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर इस तरह की अनियमितता में दिखते हैं, संदिग्ध हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स उनको शो कॉज नोटिस देंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जो भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी हुई है उससे हमने पकड़ा, ना कि विपक्ष ने। करनाल में तहसीलदार और DDP को भी हमने ही पकड़वाया है। सीएम ने कहा कि 2010 से लेकर 2016 तक जिन भी तहसीलों में 7A के नियमों का उल्लंघन का काम हुआ उसकी जांच की जाएगी। 76 के एक्ट में लागू हुआ था, और ये ठीक है कि मशरूमिंग ना हो इस प्रकार से सारा उसके पीछे हेतु रहा होगा, लेकिन एक तीन दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन असल में तो मुझे लगता है कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारा, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे रजिस्ट्री क्लर्क हैं, इनका जो गेम चला है, खास करके इन जो 60,000 के लगभग जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जिसके अंदर ये 7A की फ्लोटिंग हुई है, एक शब्द हमने पहले डाला 1975 में या बीच में कभी डाला होगा कि एक हेक्टेयर जो 2.5 एकड़ लैंड है, एक लैंड इसी के ऊपर 7A लागू होगा। वेकेंट लैंड था ये, अब वेकेंट वो कब है, एग्रीकल्चर वो कब हो गई, इसमें एक शिकायतें बहुत हमको मिली शुरू शुरू में 2016 में। हमने अपने समझ से सूझबूझ से उस वेकेंट शब्द को हटा करके एग्रीकल्चर किया कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो छोटे पीसेस वो बिकने नहीं चाहिए। वेकेंट लैंड तो किसी का खाली प्लॉट भी हो सकता है, रेजिडेंशियल हो सकता है, किसी का इंडस्ट्रियल हो सकता है, जिसने अभी खरीदा है वेकेंट पड़ा है उसकी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। केवल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टुकड़े नहीं होने चाहिए, और हमें उस समय लगा 2.5 एकड़ बहुत ज्यादा है। 2.5 एकड़ का मतलब होता है कि इतनी बड़ी लैंड कोई एक मकान बनाने के लिए तो नहीं लेगा, बड़ा कोई आदमी है 2.5 एकड़ रख सकता है, सामान्य व्यक्ति के जो जिन्होंने इलीगल कॉलोनीज में जाना होता वो छोटी लैंड होती है, इसलिए हमने उसको किया 2 कनाल। मुझे इस विषय में बताने में कोई हर्ज नहीं, हमने उसको 2 कनाल किया, इसलिए कि 2 कनाल यानी 1,000 स्क्वायर मीटर, इससे अगर कोई छोटा करता तब तो मकान के लिए खरीदता है,
चाहे वो गरीब आदमी ही खरीदता है, लेकिन इलीगल कॉलोनीज इन्हीं से बनती हैं। इलीगल कॉलोनीज ढाई ढाई एकड़ के मकान बना करके कोई इलीगल कॉलोनी नहीं बनाएगा। इसके बाद फिर हमें ध्यान में आया कि इस एग्रीकल्चर शब्द का भी मिसयूज करके हमारे पटवारियों ने या हमारे तहसीलदारों ने उसको वेकेंट दिखा दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर तो जिसमें फसल है उसमें वो फसल है, बाद में उसमें बरानी दिखा के या कुछ ना कुछ और जोड़ करके उसको वेकेंट दिखाया और वेकेंट की रजिस्ट्रियां फिर होने लग गई। अल्टीमेटली हमने 2020 में फिर ये समझ करके कि हाँ दो कनाल भी कम है, इसको वापस एक एकड़ करना चाहिए, ये भी लोगों की शिकायतों के हिसाब से जैसे हमको रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं उस हिसाब से हमने निर्णय लिया। आज हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर हम वेकेंट और एग्रीकल्चर लिखते रहे तो ये मिसयूज इसका लगातार होता रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा जो संबंधित लोग हैं कि इसमें इन शब्दों में डाला जाए कि अगर और सीएम ने कहा कि 2010 से लेकर 2016 तक जिन भी तहसीलों में 7A नियम का उल्लंघन का काम हुआ है उसकी जांच की जाएगी और इसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित की जाएगी। विपक्ष ने 2010 से इंक्वायरी करने पर रोष जताया। सीएम ने कहा कि सबकी इंक्वायरी करवाएंगे। ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कोई गड़बड़ है तो पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया कि हम पकड़वाएंगे इसको, और रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये गिरोह मिला है, और इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे। मैं कह रहा हूं ये हमने पकड़ा है, आपने कोई नहीं बताया हमको, और अभी तो नहीं ये जानकारी हमारे पास है, हमें जानकारी मिली, पब्लिक ने दी, किसने दी? आपने नहीं दी, कम से कम आपने कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, आपको तो ये विषय आज से नहीं है, ये सालों से चल रहे हैं, और मैं अभी ये घोषणा भी करता हूँ कि 7A का उल्लंघन हमने तो अपने 2017 से शुरू किया था, लेकिन आपको लगा शायद अभी हो रहा है, 7A का उल्लंघन बहुत पहले से हो रहा है, और आज मैं इस हाउस में इंक्वायरी के लिए पूरा समय तो नहीं, लेकिन कम से कम पिछले 5-7 साल 10 साल का और 2010 से लेकर 2016 का ये इंक्वायरी 7A का उल्लंघन की मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ, ये इंक्वायरी भी हम कराएंगे। ये कितना आगे बढ़ते हैं। भिवानी के गांव रेवा डी खेड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अजय चौटाला ने कहा कि वे सदस्यता अभियान पर निकले हैं और इस अभियान में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, उनमें काफी उत्साह है। हरियाणा में आपको लेकर बोलते हुए अजय चौटाला ने कहा कि उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, उनकी तो जमानतें जब्त हुई थी, लेकिन मेहनत सबको करनी होती है, वो भी करेंगे। जनता ने देखा है कि किसको सेवा का मौका देते हैं। वहीं उनके चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इजाजत दी तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। शुभ शुरुआत की गई है, हम गांव-गांव जा करके सब, मेरी प्रभारी के तौर पे इस जिले की जिम्मेवारी है, गांव-गांव में जा करके मेंबरशिप अभियान चलाएंगे, शहर के वार्ड स्तर पे जा करके पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा निष्ठावान सिपाहियों को जोड़ने का काम करेंगे। कानूनी रूप से मुझे मौका मिलेगा तो चुनाव ही लड़ूंगा, मैं बिल थोड़े खोदूंगा। और वही करनाल में अवैध कॉलोनियों के विकास और रजिस्ट्रियों में फर्जी एनओसी जारी करने को लेकर एक हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस विभाग ने तहसीलदार और डीडीपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया। आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने से पहले वही तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम सिंह को मेडिकल जांच के लिए नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद नागरिक अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि डीडीपी विक्रम सिंह की हालत ठीक है, जबकि तहसीलदार की तबीयत थोड़ी बहुत नासाज है। सोनीपत के गोहाना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कर्ज न चुका पाने पर परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 50,000 के बदले 10 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन अभी भी पैसे मांगे जा रहे हैं और जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर और शहर भी छोड़ दिया। वही पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत सोनीपत SP को दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। समस्या जी, 10 साल पहले अपने कृष्ण पहलवान पे 50,000 रुपये लिए थे जी। 50,000 के जी हमने 10 लाख रुपया दे दिया, फिर भी हम हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमने जी गांव छोड़ दिया, ये छोड़ा जी मेरा आदमी के साथ। हमने 10 लाख रुपये देने के बाद भी उन्हें प्लाट लिया, मारपीट करी उन्हें,
उन्हें हमारा प्लाट भी लिखवा दिया, मैंने सरकारी मिला हुआ था। उसके बाद लिखवा के हम बोले अपना चेक दे दो, हमारा चेक, उन्हें चेक भी नहीं दिया ये, और यूँ बोले गुम हो गया, बाद में दे देंगे, बाद में। अब चेक लगा दिया जी उसने, हैं, और ये बोल रहा है वो तो डकैती मारे है, पेट्रोल पंप लूट लिया, ये अफवाह फैला फैला कर पुलिस वाले ने हमारे घर भेज रहा है जी। मेरे चार चार लड़कियां हैं, जो पेट्रोल पंप लूटेगा तो हम अपने बेटों को कैसे पालेंगे। चार लड़कियां हैं, एक छोटा सा बेटा है जी, गोली मारने की धमकी दे, गोली तो उड़ा दे।